हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डिप्लोमा और आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है जो स्कॉट्स कंपनी है। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये जो स्कॉट्स कंपनी है इसकी ट्रैक्टर आती है, फोर व्हीलर ट्रैक्टर में आती है और छोटी मोटी जो ट्रकें होती हैं इनमें आती हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप लोग डिप्लोमा कर रखे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा है और क्या क्या लोकेशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप, ये जो जॉब है, दिया ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्कॉट्स एग्री एंड गेट्स इंडिया लिमिटेड, दिस कंपनीज आर रिक्रूटिंग डीईटी, यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए ये जो कंपनी है अपना वैकेंसी निकाला है। यहाँ पर क्या दिया है, डीईटी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाला गया है। फ्रॉम ऑल द ब्रांचेज एक्सपेक्ट सिविल इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ करके सभी ब्रांचेज के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। यानी केवल सिविल वाले बच्चे इस कंपनी में या इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, अनदर सभी बच्चे, सभी ब्रांचेज के बच्चे इसे फिल कर सकते हैं। सैलरी पेड टू द कैंडिडेट्स विल बी 12,000, क्या दिया है, 12,000 इस कंपनी का जो है सैलरी है। और लोकेशन क्या क्या है, लोकेशन है चंडीगढ़ है, फरीदाबाद रीजन है, ये सब क्या है इसके लोकेशन है। और क्या आगे दिया है, दिया है व्हेन ही आस्क्ड फॉर द इंटरव्यू कैंडिडेट्स हु पास दियर डिप्लोमा इन 2018, 2019, 2020 एंड 2021, यानी 2018, 2019 और 2020 में जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और किस बेस पर है, दियर इंटरव्यू, यानी जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके आधार पर 2018, 19 और 2020-21 के बच्चे एलिजिबल होंगे। ज्वाइनिंग टाइम में क्या क्या आपको लेकर जाना है, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, सीवी रिज्यूम एंड कंपलसरी फॉर द कैंडिडेट्स, जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और सीवी यानी रिज्यूम जो है यह कंपलसरी है, जब आप ज्वाइनिंग टाइम पे जाएंगे तो इसे लेकर जाना है। दोज हु आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर राइट द परसेंटेज टिल द ईयर लास्ट सेमेस्टर, यानी जो बच्चे अभी 2021 पास आउट नहीं हुए हैं यानी अपियरिंग में हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, अभी तक के जितने भी परसेंटेज उनका आया है फिफ्थ सेमेस्टर तक टोटल, उतना उस फॉर्म में फिल करेंगे डिप्लोमा परसेंटेज जिसमें मांगा है। अब देखिए क्या बोला है, फिल द इंफॉर्मेशन केयरफुली ओनली गवर्नमेंट मेल्स, यानी जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं उन्हीं लोगों को केवल यह फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट दिया है, आगे आपको नाम लिखना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, उसके नीचे फादर्स नेम लिखेंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, नेम ऑफ द कॉलेज, यानी जिस भी कॉलेज से आप पढ़े हैं उस कॉलेज का नाम लिखेंगे, यानी जिस भी कॉलेज से, जैसे मान लीजिए यदि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर से हैं तो क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, यानी कि राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर, क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया। ब्रांचेज आप क्या हैं, तो ब्रांचेज हो सकते हैं इसमें ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, केमिकल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, CSE, मैकेनिकल एंड अदर। आगे आपको देना है पास आउट ईयर क्या है, 2018, 19, 20 या 21। टेंथ परसेंटेज लिखना है, 12th परसेंटेज लिखना है और क्या लिखना है, डिप्लोमा कितना आपका परसेंट है इसे लिखना है। मोबाइल नंबर आपको अपना देना है,